ओम शांति। ओम शांति। माय अटेंशन जी हाँ, वॉट मेरा कुड टाइम अटेंशन टुडे थोड़ी बार आज दिन में बी, वॉट कुड बी द इस पर था एक्सपीरियंस कि क्या इमर्जिन बींग अनुभव होगा जब हम परमात्म प्रेम में आई थिंक यू समाए हैव होते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी कोशिश की एंड होगी, मोर आई रियलाइज दैट और जितना मैंने ये एहसास किया दैट दैट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड्स लव कि परमात्म प्रेम का अनुभव होता है एंड दैट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड्स लव और वो परमात्म प्रेम का एक्चुअली अनुभव हमें मदद देता है एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाट बाबा सेज। कि हम वो स्वीकार करें, वो सब कुछ जो बाबा हमें आई थिंक व्हेन वी कहते हैं। बिगनिंग ऑल ऑफ मुझे लगता है कि हम सारे के सारे जब यस हम ऑल ऑफ शुरुआत अस में आए वेलकम थे, वेलकम पता नहीं हमें कितना ज्ञान समझ में आया था। मी आई हो एम अ सकता है मॉडर्न मैं आत्मा हूँ, चाइल्ड बट परमात्मा का बच्चा हूँ, फुल ऑफ लेकिन एक्साइटमेंट ड्रामा, थैंक यू सृष्टि चक्र, घर जाने का समय है, ये संगम युग है, बट वी एक्सेप्टेड एंड लेकिन हमने एक्सेप्टेड एंड स्वीकार किया ना, सब कुछ स्वीकार किया। इट वाज नॉट बेसिकली तो ये अ सिर्फ लॉजिक और या रीजन लॉजिक या हमने अपना रीजन दिया कि बट इन ऐसे के लव कारण, नहीं, जब व्हेन यू स्नेह होता एक्सेप्ट है तो वहां पर स्वीकार करते हाउ हैं। मेनी ऑफ यू एग्री विद मी कितने आप में से मेरे साथ बिकॉज सहमत वी हैं? आर अमंगस्ट आवरसेल्व्स इन क्योंकि रिलेशनशिप हमारे भी, हमारे संबंधों में व्हेन भी देयर इज लव वी जब एक्सेप्ट स्नेह होता है तो हम स्वीकार करते हैं, एंड देन व्हेन वी और एक्सेप्ट फिर जब हम स्वीकार वी करते स्टार्ट हैं प्रैक्टिसिंग तो फिर हम अभ्यास करना शुरू हार्मनी करते हैं, हम फॉलो करना शुरू करते हैं। बिफोर इन लौकिक वर्ल्ड पहले लौकिक दुनिया में गॉडलीनेस वाज द लायक क्वालिफिकेशन होना जो होता था वो होता था इंस्टेंस ऑफ एजुकेशन कि लायक बच्चा है, यानी कि वो पढ़ाई और व्हिच करेगा, फैमिली यू बिलोंग या टू कौन से परिवार के हो तो आप लायक हो। बट सिंस वी हैव नॉलेज लेकिन जब से अबाउट हमें ज्ञान मिला है कि सोल मैं एक आत्मा हूँ, सो इफ आई एम सोल तो अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरा व्हाट इज मेरी माय सोल योग्यता क्या वर्थ है, कि क्या मेरी योग्यता है, सो वर्थीनेस इज तो लायक होना रिफ्लेक्शन वो है पहचान ऑफ माय इटर्नल सेल्फ। मेरे अनादि स्वरूप की। एक्चुअली वास्तव में एवरीथिंग इन लाइफ सब डिपेंडेंट कुछ ऑन योर जीवन में लाइफ वो पवित्रता पर आधारित है। सब कुछ, एज मच सोल जितना आत्मा पवित्र होती है वी आर रिमूविंग द अलॉय तो हम अपने अंदर का अलॉय निकालते हैं, द बर्थ इज खाद चेंजिंग निकालते हैं, तो उसकी जो योग्यता है आत्मा की वो परिवर्तित होती जाती है, या उसकी बर्थ खाद रिलेट्स टू पहले कलयुगी से कॉपरेज एंड देन मूव द्वापर युगी, और फिर आगे सत्ययुग जाते एंड हैं देन गोल्ड त्रेता, और फिर उसके बाद सत्ययुग, यानी कि सो द वर्थ द वैल्यू तो जो उसका इंक्रीज मूल्य होता है वो बढ़ता जाता है आत्मा एंड का, देन व्हेन देयर इज और प्योरिटी फिर जब पवित्रता एंड द होती वैल्यू है ऑफ द सोल तो वो मूल्य होता है आत्मा दैट का, इज एवरीथिंग पवित्रता, गोल्डन यानी गोल्ड कि वो सोने जैसी ऑल बनती है, अलॉय बीइंग रिमूव्ड सारे उसमें से खाद निकलती जाती है, अलॉय निकलता जाता है। दैट मच व्हाट इमर्जेस इन अस तो फिर उसके बाद जो उभर इज कर द आता है पार्ट ड्रामा वो है हमारा पार्ट ड्रामा में, इन गोल्डन एज सतयुग में। इवन आई थिंक एट मुझे कॉन्फ्लुएंसेस लगता है कि द पार्ट वी संगम आर युग पर रिमूविंग भी वन ऑफ अस जो एक एक को हम में से जो पार्ट मिला हुआ है बजाने इज को, बेस्ड ऑन द वर्थ वो हमारे मूल्य पर आधारित है। बोथ वेज द सेल्फ वर्थ दोनों एंड रीति से इंटरनल अपनी अपनी योग्यता भी बढ़नी चाहिए स्वयं की, बट ऑल्सो लेकिन टॉवर्ड्स उसके द साथ सोल साथ स्वयं की योग्यता के साथ फ्रॉम बाबा ऑल्सो बाबा से भी यू गेट टू प्ले दैट पार्ट आपको वो पार्ट बजाने को मिलता है, बिकॉज इट्स द वर्थीनेस नो क्योंकि वो आपकी योग्यता है या आपका लायकपन है। इवन समटाइम्स वी थिंक कई बार हम सोचते भी हैं कि पीपल इवन आस्क कई अस लोग पूछते हैं हमसे, हाउ कम यू एनीवन हु इज गिवन दिस पार्ट बेस्ड किसी ऑन को भी ये पार्ट दिया जाता है तो किस आधार पे किसको ये पार्ट दिया गया है, एंड आई सेड इट्स और मैंने द कहा बेस्ट कि ये उनका द वैल्यू योग्यता है, ये उनका मूल्य है पवित्रता की वजह से।
So as much we तो जितना हम accept what Baba says, स्वीकार करते हैं जो बाबा हमें कहते हैं Baba, और फॉलो करते हैं बाबा को, we are reclaiming, तो हम अपना स्वराज्य जो हम पहले थे वो हम दोबारा से ले रहे हैं। And it's not something very simple. और ये कुछ ऐसा कुछ ही बहुत सिंपल नहीं है, जैसे अगर हम कहते भी हैं कि बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ आपको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ, मैं आया हूँ आपको मनुष्य से देवता बनाने, भक्ति मार्ग में देवी देवताएं तो उनकी पूजा की जाती है। But same is now, लेकिन वही अब है यहाँ पर भी संगम युग पर, जैसे कि बाबा ने कहा कि जो स्नेह है अन्य आत्माओं का आपके प्रति बढ़ता जाएगा, स्नेह शुद्ध भावनाएं, क्योंकि आकर्षण पवित्रता की आकर्षण योग्यताएं, और ये बहुत ही स्वाभाविक है कोई बहुत जो पवित्र होता है उसके सामने झुकना हमेशा बहुत ही स्वाभाविक होता है हमेशा। तो जैसे कोई चीज का मूल्य बढ़ता है तो बाबा कहते हैं पहले आप बनते हो महिमा योग्य, पहले आप महिमा योग्य बनते हो। अर्थ है कि आज की दुनिया में कोई किसी की योग्यताओं के बारे में बात करते हैं या किसी के गुणों की बात करते हैं, लेकिन संगम युग पर क्योंकि पवित्रता के आधार से जो आकर्षण होती है, जो प्राप्तियां होती हैं और अन्य आत्माओं से भी, तो वो जो अन्य आत्माओं को प्राप्तियां होती हैं तो उससे आत्मा को महिमा योग्य बनती है। मुझे याद है कि दीदी मनमोहिनी के लिए, दादी जी के लिए तो इतनी सम्मान था, इतना जो कुछ भी दादी जी सुबह में बोलते थे, प्रकाश मनी दादी जी जो कुछ भी वो हमें अपना प्लान बताना चाहते थे, हर कोई उसको स्वीकार करता था, जैसे स्वीकृति, क्योंकि वो सम्मान जो होता है हमारे अंदर दादी जी के लिए। तो सबसे पहले हम महिमा योग्य बनते हैं। क्या महिमा? जो भी महिमा है, जो महिमा श्री कृष्ण की महिमा है, जो गाते हैं, सबसे पहले है 16 कला संपूर्ण, 16 कला। संपूर्ण एक बार दादी प्रकाश मणि जी वो मधुबन में थे, पांडव भवन में, और उनको ये संकल्प आया कि ये तो परमात्मा का घर है, तो सारे महात्माओं को बुलाओ, जैसे गुरुओं को और ये जो सारे जो बहुत ही प्रसिद्ध आत्माएं साधु संत है उनको बुलाओ। तो उन लोगों को सबको इनविटेशन भेजा गया, तो 80 के करीब उन्होंने स्वीकार किया। तो मैं उस समय पे मैं वही थी, तो आपको आश्चर्य होगा कि जैसे कि भेजा गया रिक्वेस्ट, लेकिन जब वो अपने फॉलोअर के साथ आए, 80 ने बोले थे, तो किसी की बहुत बड़ी चेयर थी तो वो अपने साथ लेके आते थे, किसी का कोई चांदी की ऐसे वो था बैठने का, तो वो सब उन्होंने उसके साथ आए। तो हमारे जो दादी प्रकाश मणि थे वो बहुत ही निर्माण थी, बहुत निर्माण थी। तो वो बैठे हुए थे, दीदी के कमरे में बैठे थे, तो जहाँ पर दीदी बाबा के कमरे के साथ वाला जो कमरा था वहां पर, तो वो बैठे हुए थे सोफा पर, बहुत बड़ा सोफा था ऐसे। तो एक जो गुरु जी थे जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, जो सबसे जैसे कि, तो
तो इन्होंने कहा कि बहन ने भाई को कहा कि यहाँ बैठे, तो उनके नजदीक में, उनके साथ में, तो वो अपना अनुभव बता रहे थे। अगले दिन सुबह में क्लास में उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि दादी, उसको पल्लू कहते हैं, साड़ी का पल्लू, कि उसने उनको छुआ, क्योंकि दादी बैठे हुए थे ना वहां पर। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करण था, पवित्रता का ऐसा करण था। तो वो कह रहे थे कि कैसे हमारी जो पवित्रता है और जो अंतर है, वो दादी की पवित्रता में और उनकी पवित्रता में जो अंतर था, वो दिन और रात का अंतर था। तो अगले दिन वो आए और वो दादी के सामने झुकना चाहते थे और उनके पैर छूना चाहते थे। तो दादी ने कहा, नहीं, हम वो यहाँ पे नहीं करते, हम नहीं। और फिर उन्होंने कहा दादी को, तो रक्षाबंधन का समय था या कोई ऐसा समय था, तो आम तौर पे क्या होता है, गुरु के नाते हम गुरु को राखी नहीं पाते हैं। तो कहते हैं कि आज मैं अपना, गुरु के नाते हम किससे राखी नहीं बंधवाते, तो कहते हैं कि आज मैं आपको अपनी कलाई देता हूँ, तो आप मेरे को राखी बांधे। और उन्होंने अपने आश्रम में कहा कि, तो बहुत साधु थे उनके, बहुत साधु थे उनके आश्रम में। चलो सो वी स्टार्ट सिंगिंग द प्रेज ऑफ दादी। तो उन्होंने दादी की महिमा करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, इनकी पवित्रता सिर्फ ऐसे नहीं कि जैसे हम साधु हैं तो हम पवित्र रहते हैं ना, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन जो दादी की पवित्रता है, तो कह रहे कि मेरी पूरा शरीर जैसे कि उसको एक करंट आया, तो वो योग्य है, योग्यता है ना, महिमा योग्य, क्योंकि हमारी जो आत्मिक स्वरूप की जो अभ्यास है, और विशेष करके दादियों के साथ इतने साल इकट्ठे रहते हुए, तो इतने सारे थे उनमें से, लेकिन लेकिन वो बहुत ही न्यारे और प्यारे और मीठे थे। और फिर जो दूसरी चीज है, जहां पर पवित्रता होती है, तो सारे गुण भी होते हैं। तो उसका अर्थ है कि जितनी पवित्रता है, उतने आप शांत होंगे, उतने आप निर्मल होंगे, आपके अंदर धैर्यता होगी, तो सारे गुण, जैसे कि हम कहते हैं कि परमात्मा जो है वो सदा पवित्र है, एवर प्योर है, तो फिर स्वतः ही जो सारी जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, आनंद की, स्नेह की, पतित पावन की, तो वो सारी जो विशेषताएं हैं परमात्मा, तो
तो वही फिर हमारे साथ भी होता है एक एक के साथ। और फिर जब हम आगे सारी मर्यादाओं पर चलते हैं, बहुत ही उच्च उच्च मर्यादाएं अपने जीवन में, बहुत उच्च मर्यादाएं, जरूर से आत्मा लायक बनती है ना, महिमा योग्य बनती है। बाबा कहते हैं कि संगम युग पर, क्योंकि शरीर पवित्र, चाहे शरीर भी पवित्र है, हम पवित्र भोजन करते हैं, सब कुछ पवित्र है, लेकिन उस रीति से शरीर पवित्र है, लेकिन तत्व तो पवित्र नहीं है ना, क्योंकि शरीर किससे बना है, तो वो तत्व तो पवित्र नहीं है, सत्व प्रधान नहीं है। तो बाबा कहते हैं उसकी वजह से आपकी पूजा नहीं हो सकती। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होते हैं, जैसे कि सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, पावन होते हैं, तो फिर हम क्या बनते हैं, फिर हम पूजनीय। पूजा, तो जब हमने अपनी योग्यता देखी, तो हमने कभी नहीं सोचा ना ऐसे, जब जब जो दादी प्रकाश मणि जी के हाथ देखने वाले ने हाथ देखा, जब वो उनका जन्म हुआ था, तो वो उनके पिता को उन्होंने बताया था कि वो एक तो वो रानी बनेंगे, वो एक रानी बनेंगी। और कितने हमें से बताया गया था ना हमारे भाग्य के बारे में, कितनों ये जो बताते हैं, लेकिन हमें तो मालूम नहीं था कि किस तरह का भाग्य, क्योंकि क्योंकि लोग समझते हैं योग्यता इसका मतलब कि जितने पैसे हैं, कितने कार्स हैं, कितने बंगले हैं, तो वो कह रहे हैं कि तो इसकी वर्थ जो है बिलियन है, क्योंकि 5 बिलियन है इनके पास, तो उनकी जो योग्यता है, तो अब आजकल की दुनिया में योग्यता को मानते हैं कि कितना धन है मतलब, तो लेकिन ये बहुत अलग है। परंतु जो हम पुनर्स्थापित करते हैं लवलीन स्थिति में, तो ये गहरी भावनाएं हैं, पवित्रता की, और फिर उस पवित्रता से बहुत बहुत स्वाभाविक स्नेह आता है हर एक के प्रति। मैं देखती हूँ कि हमेशा हर एक के लिए स्नेह होता है ना, सिर्फ स्नेह ही होता है और कुछ नहीं है। हम किसी को हमें किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी के साथ, तो ये पवित्रता से आता है ना ये स्नेह। कोई ऐसा नहीं कि हमें ये अच्छा नहीं लगता, तो वो पवित्रता से आता है। तो बाबा जो योग्यता बना रहे हैं, हमें योग्य बना रहे हैं, तो हमें दिव्य, हमें पूजनीय योग्य देवताएं बना रहे हैं। और एक एक हम में से वाइब्रेशन महसूस करते हैं ना, अपनी वाइब्रेशन हमें खुद महसूस होती है ना अंदर में दिव्यता की। मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है आप सबको ये महसूस होता होगा, हो सकता है हर समय नहीं, और उसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। कई सोचते हैं कि ओ ये तो अहंकार की बात है ना, सोचना कि मैं तो दिव्य हूँ, मैं तो पूजने बन रहे, नहीं ये ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं संगम युग पर जब मैं आता हूँ, तो आपको अपने अनादि स्वरूप में पहुंचना है, पूजनीय स्वरूप में आना ही है। तो सिर्फ आत्मा ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ तत्व भी तो पावन बनते हैं। हमारी जो स्नेह भरी वाइब्रेशंस हैं, प्रेम के वाइब्रेशंस हैं, शाम को जब मैं देखती हूँ, सारे पेड़ों को देखती हूँ, बारिश देखती हूँ, इतने सुंदर लगता है। मैं सिर्फ कहती हूँ ओ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि जो प्रकृति है वो तो हमें वापस देगी ना, वो स्नेह प्रकृति हमें वापस देगी। बाबा कहते हैं कि जब लायक, जब योग्यता बढ़ती है,
तो फिर प्रकृति भी आपकी सेवा करती है। तो दिखाते हैं ना श्री कृष्ण को कि वो एक टोकरी में गए और नदी पार करे टोकरी में, तो जो नदी थी उसमें तो इतना उछाल आ रहा था, क्योंकि क्यों उछाल रहा था, क्योंकि वो कृष्ण के पैर को छूना चाहते थे, क्योंकि जो उनके पिता लेके जा रहे थे कहानी में वो बिल्कुल ऐसे डूबने वाले थे नदी में, क्योंकि वो उनको पता था कि कुछ नहीं होगा और कृष्ण को कुछ नहीं होगा, तो उनको डर नहीं था कोई पानी का, क्योंकि वो स्नेह के कारण, वो पवित्रता के कारण, जो जो तत्व भी होते हैं वो आपको नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन वो आपकी सेवा करेंगे। तो ये सोचते रहें इसके बारे में, अपनी योग्यता के बारे में, अपनी वैल्यू के बारे में, मूल्य के बारे में। तो फिर उस स्वमान में रहना है, तो जो स्वयं का मूल्य है वो स्वमान लेके आता है। तो कई आत्माएं इतनी इतनी आश्चर्यचकित हो जाती है कि हमारा जीवन कितना सिंपल है, लेकिन कितना ये स्वमान है उसमें। लोगों को आमतौर पर इतनी सारी ज्वेलरी होती है, उंगलियों में गहने होते हैं, अंगूठियां होती हैं, कितनी सारी चीजें होती हैं ना गहनों में, लेकिन बाबा के बच्चे हमारे पास तो कुछ नहीं होता, कोई कोई बैंक अकाउंट भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं सोचती कि कौन मुझे भोजन कराएगा, क्या होगा, नहीं, क्योंकि आत्माएं प्रकृति हर कोई सेवा करना चाहता है या सेवा करता है। तो इसके बारे में और सोचें, योग्यता या मूल्य के बारे में, जो हमारे अंदर परमात्मा पुनर्स्थापित करते हैं या रचते हैं। तो ये बहुत बहुत सुंदर होता है, सुंदर पहलू है, जो मैं सोचती हूँ कि हाँ, ये जैसे कि अंदर की इच्छा थी कहीं ना कहीं पवित्रता की, परमात्म स्नेह की, लेकिन ये तभी जब मैं समझती हूँ या मैं उसका अभ्यास करने लगती हूँ, और बहुत ही स्वाभाविक पवित्रता, हम मर्यादाओं पर चलते हैं लेकिन कोई डर नहीं होता, क्योंकि आत्मा शरीर उनकी इतनी सुंदर पवित्र और शक्तिशाली वाइब्रेशन होती है, क्योंकि वहीं पे ही स्नेह और पवित्रता, उसमें ही शक्ति होती है। तो ये बहुत बहुत दिलचस्प है सोचना कि जितना मैं परमात्म प्रेम में समाई रहती हूँ तो उतनी स्वीकृति होती है और उतना ही उस योग्यता को मैं पुनर्स्थापन करती हूँ, उस मूल्य को। तो इतने इतने हिंदी शब्द हैं, पता नहीं कि कई में थोड़े वर्दीनेस जो होता है ना, लायकपन जैसे कहेंगे कि मूल्य कितना है, कि ये हम परमात्म परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार के हैं, हम ब्राह्मण कुल के हैं। हम सोच सकते हैं कितना बाबा संगम युग पर हमें कितने टाइटल दिए हैं बाबा ने हमें, हम सोचते ही जा सकते हैं इसके बारे में। त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, जी हाँ, कितने सारे टाइटल दिए हैं बाबा ने। तो समाए रहे बाबा के स्नेह में, और ये इतना अदृश्य है ना परमात्म प्रेम, ऐसा कुछ नहीं है कि ओ ये मुझे प्रेम करते हैं तो ओ नहीं, लेकिन कैसे सब कुछ मेरे चारों ओर
वो सब कुछ इतना अच्छे से हो जाता है, तो ये परमात्म स्नेह है ना कि वो सब कुछ का हमारा इतने अच्छे से ख्याल रखता है, इतनी सुंदर रीति से हमारे ख्याल रखते हैं। मुझे ऐसे महसूस होता है जितना वो दिखाई नहीं देते उतना वो उपस्थित है। हर कुछ मेरे लिए अरेंज करके रखते हैं। मुझे सिर्फ वो स्नेह, वो प्रेम, वो विश्वास रखना है। तो जब भी आप इधर उधर कहीं पे भी बैठते हैं तो ये संकल्प करें कि मैं बाबा के स्नेह में समा जाऊं, प्रेम में समा जाऊं। चलो, तो फिर आप वो जो प्रेम है उसको आप आह्वान करते हैं बाबा से, उस स्नेह को। उसका अर्थ है कि आप बन रहे हैं और प्रेम की शक्ति से भरते जाएंगे या भर रहे हैं। तो ये सिर्फ स्नेह ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, लेकिन लवलीन स्थिति। तो परमात्म प्रेम, जब प्रेम होता है तो वाइब्रेशन जो है वो बहुत बहुत सुंदर होती है। तो हमें प्रेम स्वरूप बनना है, उस परमात्म प्रेम का स्वरूप बनना है। ओम शांति। शांति, थैंक ओम यू। शांति। भूमि दीदी कह रहे हैं थैंक यू। और अब हम अपनी अव्यक्ति यात्रा शुरू करेंगे। आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। आज है जुलाई 2, बाप दादा का दिन। आप हो मात पिता हमारे, आप भी, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो।
तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले, तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। यस, वी हैव टू फॉलो द ओम शांति। जी हाँ, हमें माता पिता को फॉलो करना है। तो हमें आज इतनी सारी चीजें हैं हमने सुनी और इतनी सारी चीजें हमें मिले अभ्यास करने के लिए, तो ये कितना वंडरफुल है। तो अब हम योग करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि कल और संडे को, सैटरडे संडे, हमारी अमर कथा स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी एपिसोड 3 और एपिसोड 4 है। तो मैं जैसे कि अनाउंस करती जा रही थी, हो सकता है आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी रिमाइंड करते हैं, लेकिन ये मीठे रिमाइंडर हैं हम सब के लिए ताकि हम और सेवा करें। इसलिए प्लीज प्लीज अपने दोस्तों को, परिवार वालों को याद दिलाएं। और ये प्रश्न कितनी बार उठा है और हम सिर्फ इसको स्पष्ट करना चाहते हैं, ये सबके लिए ओपन है। आप किसी को भी बुला सकते हैं, ऑल मतलब ऑल, कोई भी। कोई कह रहे हैं कि सिर्फ जो कांटेक्ट आत्मा है, कोई भी किसी आत्मा को भी बुला सकते हैं। आप किसी को भी जाके, कोई दुकान में भी जाके, स्टोर में जाके भी इनवाइट कर सकते हैं, कोई भी, सबके लिए है। तो ये मौका है कि हम बाबा का मैसेज देना चाहते हैं एक एक आत्मा को। तो आप किसी को भी बुला सकते हैं, हर एक को, तो वो जरूर करें। और जैसे कि हमारा एपिसोड 1-2 हुआ, तो कल हमारा एपिसोड 3 है। तो अगर कोई नया है तो आप उनको भी बता सकते हैं कि एपिसोड 1 और 2 YouTube पे सुन सकते हैं, जो YouTube का चैनल का नाम है स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी, और ये हमारे अव्यक्ति परिवार के YouTube चैनल से जुड़ा हुआ है। अगर आप पूरे होम बटन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, लेकिन अव्यक्ति परिवार सिर्फ BKs के लिए है और स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी है वो पब्लिक के लिए है। तो सारे जो वीडियोज हैं वो रिकॉर्ड होंगे चैनल पर ही, स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी के चैनल पे। तो मैं आशा करती हूँ ये सबको स्पष्ट होगा। तो मैं अनाउंस भी करते जा रही हूँ कि अगर किसी को भी कोई प्रश्न है अमर कथा के प्रोग्राम के बारे में, तो आप SOI पे @us.brahmakumaris.org पर ईमेल कर सकते हैं, स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी SOI। इसके साथ साथ एक रजिस्ट्रेशन लिंक भी है, जूम नंबर हमने दिया था और पासकोड भी है, लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक भी है जो आप उनको कह सकते हैं कि वो फिल आउट करें, ताकि हमारे पास उनके ईमेल एड्रेस भी हो जाए, तो हम उनको रिमाइंडर भी भेज सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, तो उससे वो और लाभ ले सकते हैं। और उनको हम रिकॉर्ड का लिंक भी भेज सकते हैं रिकॉर्डिंग का। और इसके साथ साथ हमारे पास लाइव ट्रांसलेशन भी रहेगा, स्पेनिश में, हिंदी में, तेलुगु, तमिल और फ्रेंच में। और जो ट्रांसलेशन जिनमें करा जाएगा वो भी रिकॉर्ड होते हैं और वो भी हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड है, तो वो भी आप उनको बता सकते हैं। तो आप हमेशा प्लेलिस्ट में जाकर और आप वो ट्रांसलेशन वाले YouTube चैनल भी देख सकते हैं। तो कल है 11 से 12 बजे तक दोपहर को, तो ज़रूर से आप हर एक को न्योता दें और आपको भी इसके लिए न्योता है, तो धन्यवाद। तो कपल्स रिट्रीट है ये वीक 3rd जुलाई को 4th जुलाई को, तो सिर्फ BKs के लिए है, जो मुझे पक्का है कि आप सबने तो रजिस्टर किया होगा। तो दोनों कपल, जो दोनों युगल ज्ञान में है, तो ये रिट्रीट को ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो लिंक भी यहाँ पे दिया गया है, या आप उसका पिक्चर ले सकते हैं।
ओम शांति एवरीवन एंड गुड नाइट. ओम शांति हरे को और गुड नाइट.